ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर यहाँ क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। दुर्लभ सामग्री के असली ग्रुप में शामिल होने के लिए हमें 9896153833 पर अपना नाम और अपनी फ़ोटो भेजें। साथ ही नकल से सावधान रहें। दुर्लभ सामग्री के नाम से बहुत सारे चैनल और बहुत सारे ग्रुप खोल दिए गए हैं, जैसे कि दुर्लभ उपाय इत्यादि। तो उन सब फर्जी ग्रुपों से आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और केवल असली दुर्लभ सामग्री के ग्रुप में शामिल होइए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दुर्लभ सामग्री की एक और दुर्लभ वीडियो में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक इतना छोटा और प्रभावशाली मंत्र जिसे प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में यूज कर सकता है, आजमा सकता है और उसके जो परिणाम होते हैं उनसे अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो वो भी पल भर में संभव हो जाता है, लेकिन यदि शादी ब्याह का काम हो तो यह अति उत्तम योग बनाता है, अति उत्तम काम करता है। ये इतना प्रभावशाली है कि इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। कहा जाता है कि ये एक मंत्र अगर आपने जाप कर लिया तो आपकी शादी जो है वो पक्की है, उसे कोई टाल नहीं सकता। यदि कोई ब्राह्मण वर्ण का इसे जाप करता है तो उसके लिए सर्वोपरि है, क्योंकि जो देव थे वो भी ब्राह्मण के अधीन थे। तो यदि कोई भी ब्राह्मण इसे जाप करेगा तो उसे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी इसके परिणाम उसको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के अलावा यदि कोई और जाप करेगा तो उसे रिजल्ट नहीं आएंगे, उसे परिणाम नहीं मिलेंगे। उसे भी उतने ही परिणाम मिलेंगे जितनी अवधि में एक ब्राह्मण को मिले हैं। इसलिए यदि आप ब्राह्मण नहीं हैं तो भी इसे जाप कर सकते हैं और इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। यदि आप कोई कन्या हैं और अब किसी को चाहते हैं, किसी से प्रेम प्रसंग में हैं और शादी करना चाहते हैं, याद रखिएगा जब आपका इरादा शादी करने का हो, अपना जीवन बसाने का हो, तभी इस मंत्र का उच्चारण करिए और इसका प्रयोग करिए। जहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं उनकी बुराई भी होती है थोड़ी बहुत। उसी प्रकार से यदि इस मंत्र का प्रयोग आपने किया अपना उल्लू सीधा करने के लिए तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको नुकसान झेलना पड़े। आजकल के इस कलयुग में माया सर्वप्रधान है और यदि आप केवल कुछ समय के लिए किसी के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं और उसके लिए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो उस समय तक तो वो ठीक रहेगा जब तक आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो आपके बिना रह नहीं पाएगा, वो आपके साथ रहने के लिए आपसे भीख मांगेगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि ये मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। याद रखिए जिन मंत्रों के पीछे फट स्वाहा लग जाता है वो तांत्रिक क्रिया में आते हैं और ये मंत्र इतने ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं कि इनको यहाँ पे जपो और वहाँ पे रिजल्ट देखो। इस मंत्र के बारे में मैं आपको पूर्णतः जानकारी दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले हमारी एक साधिका हैं जो कुछ आपसे कहना चाहती हैं, जो हमारी उनसे वार्तालाप हुई, आप उसको ज़रूर सुनिए और आप सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम रीनू शर्मा है। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, हम मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अच्छा, कौन सा काम बन गया आपका? देखो, मैंने ऐसे तो बहुत सारे मतलब वीडियोस देखे और काफी उसको इम्प्लीमेंट किए। 110% काम होता ही होता है। मैं जॉब देख रही थी सबसे पहले तो हाँ, एक स्कूल है वहाँ पे मैं जॉब देख रही थी, बट मैंने ना डीएड किया हुआ है ना बीएड किया हुआ है, बट मेरे में क्षमता थी कि मैं पढ़ा सकती हूँ। बट मुंबई में जैसे कि आप जानते हो कि डीएड बीएड करना बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी होता है। तो जैसे ही मैंने आपका वो पानी वाला उपाय किया कि जो भी तुम्हारी इच्छा होती है पानी की बॉटल पे लिख लो और उसको वो चिपका दो और डेली एक एक दो वो बॉटल पीनी होती है आपको, बस उसी में पानी भरो,
और पी लो। ये आप मतलब सच्ची बोलो ना, चमत्कार को नमस्कार है, ये मैंने अब सीखा है। अच्छा, मैंने ये किया और बकायदा 1 साल हो गया मुझे वहां जॉब करके, मतलब अच्छा। अभी मतलब हाँ, मुझे इन बिटवीन जैसे ही मैंने किया, मुझे विद इन 10-15 डेज वो पानी वाला वो मेरा सक्सेस हो गया। सक्सेस मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई बोल मैं कोई बोलता है मेरा नहीं होता है, तो मैं ये सोचती हूँ कैसे नहीं होता है। और बोलते ना जहाँ चाह वहाँ रहा, और मतलब सच्ची माता रानी की कसम खा रही हूँ, मेरा कैसे सक्सेस हो मुझे पता है। अच्छा, क्या प्लस कब से प्लस आपने जो फोटो, हाँ जी कब से ट्राई कर रहे थे आप? क्या ट्राई मतलब मैं बता रही हूँ ना, मैंने जो जो काम दुर्लभ सामग्री का देख के किया है, आज तक एक भी निष्फल नहीं हुआ है, सब फलीभूत हुआ है, मुझे सारा का सारा फलीभूत हुआ है। अच्छा, लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? लोग तो तरह मैं तरह की मैं ये बोलूंगी, नहीं 100% मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि सच बोल रही हूँ, भले एक बार फेल हो दूसरी बार ट्राई करो, बट होता ही होगा, पर ये है कि हमारा दिल साफ, और किसी का बुरा करने के लिए कभी कोई काम मत करो तो नहीं होगा। हाँ, अगर अच्छा करने आए तो किसी का भला करना है, और वो नहीं हुए तो मैं चैलेंज देती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, होएगा ही होएगा, 100% गारंटी। और इसमें आपने जो भी दिखाया है सब कुछ फैक्ट है, सोना आने सच। आपने जो किया था वो कैसे किया था ये भी बता दीजिए लोगों को। देखो सबसे पहले तो वो मैंने एक पानी की बोतल ली ट्रांसपेरेंट, जिसपे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने एक पेपर लिया, उसपे मैंने अपनी जो विश थी भगवान का नाम पहले लिखा और अपनी विश थी वो लिखा, और उसको वो बोतल पे चिपका दिया बाहर की तरफ से। हाँ, और उसको जो टेप आती है ना, टेप सेलो टेप जो होता है, मैंने वो चिपका दिया ताकि जब मैं वो बोतल तो अभी धोनी तो करती है तो वो गीली ना हो, तो वो ब्राउन कलर की जो पट्टी आती ना प्लास्टिक वाली, तो मैंने उसको उससे कवर कर दिया। तो मैं डेली उसमें बोलते ना पूरी मतलब दिल से, पूरा दिल से करना चाहिए। मैंने एक चीज देखा है, मैंने बकायदा वो डेली उसमें तीन तीन बार तो वो पानी उसको मतलब पीती थी, पानी भरना फिर वो पूरा पी लेना, फिर भरना, 1 घंटे 2 घंटे चार्ज करती थी, मतलब जैसा कि आपने वो वीडियो में बताया था, फिर चार्ज करती थी और फिर पीती थी। और बकायदा ये सच हुआ ही हुआ है। जब आपको रिजल्ट आया तब आपको कैसा लगा, मतलब आपको यकीन हो गया था? मतलब मैंने मुझे बस ऐसा ही लगा कि मेरे को एक बोलते ना एक भगवान का दूत मिल गया है आपके रूप में, कि ये जो बोलते ना हमारे बोलते एंजल कि कोई आता है और आपको एक राह दिखाता है, सच्ची कसम से माता रानी की सौगंध, ये मुझे ऐसा। हाँ, और मैंने जब भी आपको मदद के लिए भी कॉल किया, आपने हमेशा हेल्प की है, तो ऐसा लगता है ना नहीं अपने लिए कोई है, भगवान तो सब जगह नहीं हो सकते, लेकिन कोई हेल्प जरा सा भी कर देना तो भगवान के होने का एहसास हो जाता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपका काम हो गया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सच्ची में आपका कितना धन्यवाद बोलूं का मैं। नहीं नहीं हमें भी बहुत खुशी होती है जब लोगों के काम बनते हैं हमारी वजह से। नहीं नहीं वो आपको तो बोलते ना दुआओं की पोटली मिलती होगी सब जगह से, मेरे पास तो ज्यादा शब्द नहीं है बोलने के लिए। नहीं नहीं आपने इतना ही बोल दिया, यही बहुत है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी जो भी उपाय करते हैं उन सबका काम बनता रहे, जैसे आपका सब सब। बस इंसान नियत साफ रखे, सब काम होता है, और आप जैसे लोग राह दिखाए सच्ची में। जी, सब काम होता है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगर आपको हाँ, समस्या है तो मुझे जरूर कॉल करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आपको पहले ही याद करते हैं। जी, ये वो थी जिनका काम बना, और इनका काम क्यों बना, क्योंकि इनको पूरी तरह विश्वास था। इस तरह के जो काम होते हैं, पूजा पाठ, कर्म कांड, योग साधना, इन सब चीज़ों में विश्वास की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। यदि आपके पास विश्वास है, अगर विश्वास की शक्ति आपके साथ है, तो आप किसी भी मंजिल को छू सकते हैं। यदि विश्वास की कमी होगी तो छोटी से छोटी समस्या भी आपके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। आप कोई भी काम करते हैं, जरूरी नहीं कि आप पूजा पाठ का काम करें, आप किसी भी विषय में कोई भी काम करें तो उसमें विश्वास हमेशा रखें, क्योंकि विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि कोई आप हमारे उपाय करते हैं तो उसमें विश्वास रखिए कि ऊपर वाला आपके साथ है, उसकी शक्ति आपके साथ है, और आप देखेंगे कि चमत्कारी ढंग से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसे ऐसे आपके काम बनने लग जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है
उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा लगता है जब ये आपके साथ हो रहा हो। मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए और इस्तेमाल करना शुरू करिए। मंत्र इस प्रकार है, आप अपनी इच्छा को बोलिए, जो भी आपकी इच्छा है। इच्छा से पहले आपको ओम लगाना है। आप कभी भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में करें, नहीं तो सवेरे तड़के करें, सूरज निकलने से पहले पहले कभी भी कर सकते हैं। आपको ओम बोलना है और उसके बाद अपनी इच्छा को बोलना है, और इच्छा ख़त्म हो जाए उसके बाद फट स्वाहा बोलना है। ये आपको 121 बार बोलना है, यदि आप बोल सकते हैं तो, और अगर आप एक बार बोलेंगे तो भी ये काम बन जाता है। बिल्कुल सरल और सहज है। अब ओम बोलिए, उसके बाद अपनी इच्छा और फट स्वाहा बोलिए, 121 बार बोलिए, अन्यथा इसको एक बार बोलिए, और उसके बाद जो परिणाम मिलेंगे उससे आप चकित रह जाएंगे। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी दुर्लभ सामग्री के परिवार में लोग हैं, जितने भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, वो इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें, शेयर करें, और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलेगी, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो वास्तविकता में इसकी मदद चाहते हैं, जो प्रेम प्रसंग में फंसे हुए हैं, जो ना घर के रह गए ना घाट के रह गए, कुछ आपके सगे संबंधी या किसी को भी आप जानते हैं जिनको ज़रूरत है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और दूसरों की मदद करना सीख लीजिए, क्योंकि दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी मदद स्वतः ही होती रहेगी। और अंत में इतना कहूंगा कि भगवान को छोड़कर कहीं और दिल लगाया तो अंत में पछताना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिए। ओम नमः शिवाय।